वंस अपॉन अ टाइम भारत के उत्तरी भूभाग में पैदा हुआ एक आदर्श बालक खुजली। मेरा राजा बेटा बड़ा होके बड़े बड़े काम करेगा। अरे पर इसने तो अभी मेरे गोद में सुसु कर दी। मैंने सुसु नहीं की, मोदी जी ने की है। मोदी जी कौन है? बड़ा हुआ तब मास्टर जी ने पूछा, बेटा खुजले आज होमवर्क क्यों नहीं किया? मास्टर जी हमारी तो बड़ी इच्छा थी होमवर्क करने की, पर मोदी जी ने नहीं करने दिया। एक बार माँ ने खुजली को बिजली का गोला लाने को भेजा और वो गिल्ली डंडा खेलते हुए पाया गया। माँ ने कान पकड़ा तो खुजली कान खुजलाते हुए बोला, अम्मा 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 हमारे कान काई पकड़ रहे हो अम्मा, मोदी जी के कान पकड़ो, उन्होंने हमको रोका बिजली का गोला लाने से। कौन है ये मोदी जी? भूत बाधा वालों ने आजमाया, किसने भेजा तुझे? मोदी जी ने भेजा। कौन? मोदी जी। हकीम और अंग्रेजी डॉक्टरों ने भी ट्राई किया पर सब फिजूल। अरे ये भैंस ने दूध क्यों नहीं दिया आज? मोदी जी ने ही मना किया होगा। मोदी जी मैं आपसे नहीं डरता। मोदी जी। आखिर में थक हार कर बाबूजी ने खुजली को दिल्ली भेज दिया सरकारी नौकरी करने। खुजली जी आप मुझे वो प्रेजेंटेशन देने वाले थे, उसका क्या हुआ? सर जी हम तो काफी चाहते थे कि आपको प्रेजेंटेशन दे, लेकिन मोदी जी हमारे कंप्यूटर का वाईफाई ही बंद कर दिए। सर जी मोदी जी बारिश गिरा दिए। मोदी जी ने पूरे मच्छरों की फौज हम पर छोड़ दी। मोदी जी हमें जबरदस्ती मूवी देखने भेज दिए। मोदी जी आखिर कौन है? इस सवाल का जवाब दुनिया को मिला 2013 में। दुनिया भर के एक्यूजेशन दुनिया पर करने के बाद, बड़े बड़े वादों का ताजमहल खड़ा करने के बाद, जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया तो खुजली बोला, मैं चाहूं तो दिल्ली को चुटकियों में सेफ बना दूं। पर मोदी जी, मुझे करने नहीं देंगे। दिल्ली को 2400 घंटे पानी दूं। पर मोदी जी, मुझे करने नहीं देंगे। दिल्ली को फ्री वाईफाई दूं। पर मोदी जी, मुझे करने नहीं देंगे। हाँ मोदी जी हमें कुछ भी नहीं करने देंगे। हाँ एंड ही ब्लेम्ड Happily ever after। तो भैया moral of the story is कि जब आपका बच्चा बचपन में काम नहीं करता और उसका दोष किसी दूसरे के बच्चे पर डालता है तो उसे आज ही रोकिए, नहीं तो कल उठकर वो A dot खुजली बाल बन सकता है। आगे आपकी मर्जी। मोदी जी।